नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बता दें कि उपचुनाव को लेकर बिहार की पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारी जो है वो शुरू कर दी है उन्होंने, और साथ ही साथ हर पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इन दोनों सीट पर जीत उन्हीं की होगी। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड ये दावेदारी दे रही है कि इससे पहले भी ये दोनों सीट जदयू की ही रही है, ऐसे में इस बार भी निश्चित तौर पर ये दोनों सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो RJD, कांग्रेस और या फिर लोजपा हो, ये सभी जो है अपनी अपनी दावेदारी इन दोनों सीटों पर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस सबके बीच अब पप्पू यादव भी सामने आ गए हैं। बता दें कि जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव भी इन दोनों सीटों को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ किन उम्मीदवार को इन दोनों सीट पर उतारा जाए इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। यानी कि जहां एक तरफ सभी पार्टी जो है इन दोनों सीट को लेकर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की तैयारी में है, इन दोनों सीट को लेकर जीतने की दावेदारी ठोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी भी सामने आ गई है, और साथ ही साथ कुतारापुर और कुशेश्वर स्थान में जीत हासिल करने की दावेदारी जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। यानी कि बिहार में जिस तरह से ये दो सीट खाली हुए, आपको हम जानकारी दें कि जदयू के दो उम्मीदवार के निधन के बाद जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान का ये सीट है ये खाली हो चुका था, और यही वजह है कि उपचुनाव का जो फैसला है वो लिया गया। आपको बताएं कि 30 अक्टूबर को उपचुनाव जो है वो होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बिहार में इस उपचुनाव को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, ऐसे में ये दोनों जो सीट है उसमें जो है और भी ज्यादा जो है ये तापमान इस बात को लेकर बढ़ गया है कि आखिर किस पार्टी की जीत होगी, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सभी पार्टी की तरफ से ये दावेदारी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि जीत उन्हीं की होगी। एक तरफ RJD है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ जनता दल यूनाइटेड है, सभी अपनी अपनी दावेदारी दे रही है। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। अपने LJP को लेकर और अपने चुनाव चिन्ह बंगला को लेकर चिराग पासवान ने चुनाव आयोग में जो है वो अपील भी की, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग ये तय कर दे कि LJP चिराग पासवान की है। ऐसे में अब पप्पू यादव भी पीछे रहने वालों में से नहीं है, और यही वजह है कि पप्पू यादव की पार्टी भी अब सामने आ चुकी है और तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही है कि किस तरह से इन दोनों उपचुनाव के सीट पर जीत हासिल किया जाए। यानी कि उपचुनाव को लेकर बिहार का सियासी पारा जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और यही वजह है कि हर पार्टी की तरफ से दावेदारी दी जा रही है, हर पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें जो है इन दोनों सीट पर जीत हासिल होगी। यानी कि उपचुनाव जो है वो अब एक तरह से आप समझिए कि जंग का मैदान बन चुका है, और यही वजह है कि इन दोनों सीट पर सभी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश की जा रही है। सबके बीच अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी सामने आकर खड़े हो चुके हैं, और उनका कहना है कि जिस तरह से पप्पू यादव हमेशा से बिहार की जनता की सेवा करते रहे हैं, कोरोना काल की हम बात करें या फिर जिस तरह से दिन रात पप्पू यादव जनता के सेवा में उनके समर्थन में उतरे रहते थे, सर्कस पे पप्पू यादव को देखा गया कि वो किस तरह से लोगों को जो है अस्पताल पहुंचाने का काम करते थे, दवाइयां दिलाने की काम करते थे, ऐसे में जनता का प्यार जो है वो पप्पू यादव को जरूर मिलेगा, और यही वजह है कि पप्पू यादव की पार्टी की तरफ से ये अब दावेदारी दी जा रही है कि इन दोनों सीटों पर जीत भी पप्पू यादव की ही होगी। बता दें कि जल्द ही पप्पू यादव की पार्टी की तरफ से दो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, और ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि आखिर किसे तारापुर और कुशेश्वर स्थान के सीट पर उतारा जाए। यानी कि ये उपचुनाव जिस तरह से अब धीरे-धीरे जंग का मैदान बनता जा रहा है, ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जीत किस पार्टी की होती है, क्योंकि कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। सभी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनका यही कहना है कि जनता का प्यार और समर्थन उनके साथ है, जनता का सपोर्ट उनके साथ है, और ऐसे में जीत भी उन्हीं की होगी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस उपचुनाव में जीत किस पार्टी की होती है, क्योंकि हर पार्टी ये दावा कर रहा है, चाहे वो LJP हो, जनता दल यूनाइटेड हो, RJD हो, कांग्रेस हो, और अब तो पप्पू यादव भी सामने आ चुके हैं। यानी कि पूरी तरह से ये उपचुनाव जो है वो जंग का मैदान बन चुका है। देखने वाली बात होगी कि 30 अक्टूबर को
जो है जब उपचुनाव होता है तो फैसले में जो है किसकी जीत होती है, किसकी क्षय होती है और किसकी मात होती है। फिलहाल के लिए ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।